नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर गाइडेंस विद विशाल मेघानी पर। दोस्तों, किसी ने बहुत ही प्यारा कहा है कि ख्वाब जिसके बड़े होते हैं, सपने जिसके बड़े होते हैं, उसे दिन के साथ साथ अपनी रातें भी जगानी पड़ती है। किनारे पे बैठने से नहीं मिलते खजाने, गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, ONGC का एग्जाम हो चुका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका, राइट। अब बहुत बच्चे दोस्तों, उनके मन में बहुत सारी क्योरीज हैं, ओके। जैसे कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर, इज देयर एनी चांस ऑफ न्यू वैकेंसी एट द ONGC? क्या न्यू रिक्रूटमेंट आ सकता है क्या? कितने परसेंटेज उसके चांसेस हैं? या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक लगेगा दोस्तों, ओके। साथ साथ जो मेडिकल एग्जाम, मतलब मेडिकल होता है दोस्तों, वो मतलब मेडिकल कब होगा, ट्रेनिंग कब तक होगी, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलेगी क्या, बराबर है ना। तो कुछ इन्हीं सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। साथ साथ दोस्तों, हम यहां पर एक सीरीज का अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों वर्क कल्चर ONGC फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। ONGC के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, ड्रिलिंग, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंटिंग, है ना। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ENTC डिपार्टमेंट, वेल्डर, फिटर, टर्नर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। समुद्र में जाके कैसे काम करते हैं, समुद्र में जाते कैसे हैं, वहां पे रहते कैसे हैं, रहने की क्या क्या वहां पे फैसिलिटीज है, खाने वगैरह के लिए कैसा मिलता है, क्या एटमॉस्फेयर कैसा होता है, क्या जॉब वहां पे रिस्की होता है, साथ साथ फैसिलिटीज कौन कौन सी ONGC में आप लोगों को मिलती है। सैलरी के अलावा काफी सारे फैसिलिटीज है, गिनते गिनते थक जाते दोस्तों। तो फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलती है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सीरीज के द्वारा, मतलब एक छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, है ना, ओके। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को वैकेंसी कोई नहीं आ सकती है क्या, ये चीज जो मैंने डिस्कशन किया ONGCians के साथ, मैं भी खुद ONGC में जॉब कर चुका हूं, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ मेडिकल या फिर DB का रिजल्ट कब तक आएगा या कुछ और बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों यहां पे कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो चीज है, इस तरह से ये हेलीकॉप्टर है, हेलिगो कंपनी एक आती है जिसका ये हेलीकॉप्टर है। लगभग 14 सीटर हेलीकॉप्टर होता है दोस्तों ये, जिसमें 14 पैसेंजर्स बैठते हैं प्लस दो पायलट्स, जिसमें बैठ के आप ऑफशोर जाते हैं। ऑफशोर और ऑनशोर दो जगह ड्यूटी मिलती है। किसे ऑफशोर की ड्यूटी मिलेगी, किसे ऑनशोर की ड्यूटी मिलेगी, कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफशोर मतलब क्या, समुंदर में जाके काम करना, किनारे को छोड़ के अंदर जाके बात काम करना। ऑनशोर मतलब क्या दोस्तों आपका, ऑनशोर मतलब लैंड पे जो ONGC के प्लांट्स हैं वहां पे काम करना, उसे कहा जाता है ऑनशोर, ठीक है। तो ऑफशोर इस हेलीकॉप्टर में जाया जाता है। ये देखिए, देख सकते हैं आपको हेलीकॉप्टर का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे H, यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर लैंड करता है। ये आपका वर्किंग एरिया और आपका रेसिडेंशियल एरिया होता है, रेसिडेंशियल एरिया और ये वर्किंग एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं दोस्तों, है ना। और इस स्ट्रक्चर को दोस्तों कहा जाता है रिग, RIG रिग कहा जाता है दोस्तों, रिग, ये एक रिग है दोस्तों, रिग, ओके, RIG रिग से कहा जाता है। रिग का काम क्या होता है दोस्तों, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ढूंढना, वेल ड्रिल करना, जैसे बोरिंग करके हम पानी निकालते हैं जमीन के ऊपर, है ना। लेकिन दोस्तों बोरिंग जो हम करते हैं, पानी जो निकालने का काम होता है, ओके, तो बोरिंग करने के बाद पानी कितने डेप्थ पे हमें मिल जाता है, 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट, 300 फुट, या मीटर में काउंट करो तो 50, 60, 70, 80 मीटर, 100 मीटर मैक्सिमम। लेकिन दोस्तों यहां पे जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल मिलता है जो दोस्तों, उसके लिए यहां पर जो ड्रिलिंग करना पड़ता है वो लगभग लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का ड्रिलिंग करना पड़ता है समंदर में। लैंड पर तो ये 4.5 से 5 किलोमीटर की ड्रिलिंग के ऊपर क्रूड ऑयल मिलता है। कितना नीचे जाना पड़ता है, तो कैसे इतना नीचे जाया जाता है ये हम देखेंगे। साथ साथ दोस्तों यहां पर क्रूड ऑयल मिलने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रोसेस प्लेटफॉर्म। सारी जो रिग्स का जो मतलब वेल्स का जो क्रूड ऑयल होता है, जो वेल्स अलग अलग बनाई जाती हैं जहां से क्रूड ऑयल निकलता है, वो क्रूड ऑयल दोस्तों कहां पर आता है, वो क्रूड ऑयल यहां पर आता है प्रोसेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, जहां पर इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, इस क्रूड ऑयल में पानी को अलग किया जाएगा, गैस को अलग किया जाएगा दोस्तों, नेचुरल गैस। समुद्र के नीचे से पाइपलाइन बिछाई जाती है, जिसमें से एक पाइपलाइन में से जाता है क्रूड ऑयल और एक पाइपलाइन में से जाता है नेचुरल गैस, और ये जाता है मुंबई में। मुंबई, आपने सुना होगा मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है उरन, उरन,
उरन में ये पाइपलाइंस जाते हैं दोस्तों, और वहां से ये क्रूड ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है HPCL, BPCL, IOCL को, और नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है ये, इसको कहा जाता है अनमैन प्लेटफॉर्म, अनमैन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे कोई रहता नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका नाम है अनमैन प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां पर हेलीपैड बना है, यहां पर डेली 2 या 3 लोग आते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना रिग, रिग का क्या काम होता है भाई, वेल ड्रिल करना, वेल ड्रिल करना और क्रूड ऑयल निकालना, क्रूड ऑयल फाइंड करना। एक बार वेल ड्रिल हो गया, वहां पे क्रूड ऑयल मिल गया, पता चल गया यहाँ पे क्रूड ऑयल है, तो वहां पे एक से ज्यादा वेल्स बनाई जाती है, 9 या 12 वेल्स वहां पे बनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा होगा पाइप्स के हैं बहुत सारे अंदर, है ना, ये पाइप क्या है, ये वेल्स हैं सारी के सारी, पाइप अंदर गए हैं। तो 9 या 12 वेल्स बनाई जाती है और उनके ऊपर खड़ा किया जाता है एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है अनमैन प्लेटफॉर्म, राइट। और यहां से क्रूड ऑयल निकालने का काम होता है दोस्तों। ये क्रूड ऑयल यहां से निकालने के बाद कहां जाएगा, ये क्रूड ऑयल यहां से निकालने के बाद दोस्तों यहां जाएगा प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे। तो एक प्रोसेस प्लेटफॉर्म के अंदर लगभग 15 से 20 अनमैन प्लेटफॉर्म होते हैं, 15 से 20 अनमैन प्लेटफॉर्म और वहां पर एक प्रोसेस प्लेटफॉर्म। वो 15 से 20 प्रोसेस अनमैन प्लेटफॉर्म्स का जो क्रूड ऑयल होगा वो यहां पे आएगा, जिसको प्रोसेस करके उरन में भेजा जाता है दोस्तों। मुंबई की बात कर रहा हूं, बाकी और भी स्टेट्स हैं दोस्तों जहां पर ONGC स्थित है, तो उनकी इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो सब जगह पे वही होता है, गुजरात में भी वही होता है, मैं गुजरात में भी जॉब कर चुका हूं दोस्तों, ठीक है ना, गुजरात में भी मैं काम कर चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनमैन प्लेटफॉर्म, ओके। इस तरह से दोस्तों देखिए ये काम कर रहे हैं, आप लोगों का यूनिफॉर्म होता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है दोस्तों, हाथ मैले गंदे करने पड़ते हैं, फिजिकल वर्क करना पड़ता है दोस्तों, उसी चीज का पेमेंट आपको मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग पूछते हैं सर जॉब रिस्की होता है क्या, दोस्तों रिस्की वगैरह इतना कुछ नहीं है, रिस्की नहीं है दोस्तों। आप कहीं पर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं दोस्तों, तो मैंने बॉश में भी दोस्तों जॉब किया। अब बॉश में मेरे आंखों के सामने की बात है, मेरे एक कलीग की उंगली कट गई थी, मशीन में हाथ आ गया, तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स जो दोस्तों हैं, छोटे बड़े एक्सीडेंट्स, अब छोटा नहीं था इंसिडेंट, ये बड़ा ही था उंगली कट जाना दोस्तों, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम प्रे करेंगे गॉड के साथ। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो एक्सीडेंट्स हैं वो काम की जगह पे होते ही, चाहे आप किसी और कंपनी में काम करिए चाहे ONGC में। तो ONGC में काम करना रिस्की है क्या, नहीं भाई रिस्की नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये लोगों के मन में गलत धारणा है, समुद्र में जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर से, रिस्की वाला जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ONGC में सेफ्टी नॉर्म्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं, सेफ्टी की ट्रेनिंग्स होती है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। आप लोगों को गोवा भी जाता है ट्रेनिंग के लिए, समुद्र में डाइविंग, गोवा में ट्रेनिंग कैसे होती है उसके वीडियोज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, एनिमेशन के जरिए, वीडियोज के जरिए मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जब तक आपका ONGC में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और दोस्तों ONGC में आपका पहले दिन से ही दोस्तों ONGC में आप लोगों का पेमेंट शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग व्रेनिंग होती रहती है, मुंबई में ट्रेनिंग होती है जिसे HUET कहते हैं, हेलीकॉप्टर अंडरवाटर स्केप ट्रेनिंग कहते हैं दोस्तों। ये HUET ट्रेनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर में आपको बिठाया जाता है, डेमो हेलीकॉप्टर में, जिसको स्विमिंग पूल में डुबाया जाता है, आपको प्रिपेयर किया जाता है कि कभी दोस्तों इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को समुद्र में लैंड करना पड़ जाए तो उस समय कैसे आप लोग उससे बचेंगे, कैसे बच के आप बाहर निकलेंगे, वो ट्रेनिंग होती है ह्यूट नाम की, हेलीकॉप्टर अंडरवाटर स्केप ट्रेनिंग। साथ साथ दोस्तों देखिए यहां पर कुछ गर्ल्स हैं दोस्तों यूनिफॉर्म के अंदर, गर्ल्स ऑफशोर में, तो यूजुअली दोस्तों गर्ल्स को ऑफशोर में नहीं भेजा जाता है, गर्ल्स होती है ना उनको ऑफशोर के अंदर नहीं भेजा जाता है दोस्तों, ओके। हाँ कुछ लड़कियां हैं जो ऑफशोर में जाके जॉब करती हैं, बट दिस इज ऑन डिमांड, उन्होंने खुद ने डिमांड की कि सर हमें ऑफशोर जाना है और जॉब करना है, ठीक है। बाकी यूजुअली गर्ल्स को समुंदर में नहीं भेजा जाता है। और ऑफशोर में दोस्तों अगर आप जाते हैं, आपको पता है ONGC में ड्यूटी पैटर्न जो होता है 14 डेज का होता है, 14 डेज आपको काम करना पड़ता है और 14 डेज कंप्लीट आपको छुट्टी होती है। इस 14 डेज की छुट्टी के दौरान आपको कोई नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, घर जाओ आराम करो मजे मारो दोस्तों, आपको कोई टेंशन नहीं होती है ना। अब दोस्तों देखिए रहा आप लोगों के सवालों का जवाब, दोस्तों देखिए यहां पर क्या नया वैकेंसी आने का चांस है। देखिए दोस्तों ये जो नया वैकेंसी आएगा जरूर आएगा 2023 और 2024 में, 2023 और 2024 में मास रिटायरमेंट से बहुत सारे ONGCs रिटायर हो रहे हैं दोस्तों, तो रिक्रूटमेंट तो निकलेगा दोस्तों, लेकिन हाँ इतना जल्दी नहीं, इसको मिनिमम 6 मंथ या 1 ईयर का ड्यूरेशन आप पकड़ के चलिए, 6 महीने या 1 साल के बाद निकलेगा, इतना जल्दी नया रिक्रूटमेंट ONGC के अंदर नहीं आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल आप ONGC के भरोसे या सहारे मत बैठिए, आप अपनी अगली तैयारी शुरू रखिए, वैकेंसी आएगा जरूर आएगा,
लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, बहुत बार लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण सिंपल सा होता है कि वैकेंसी आने के बाद, अरे वैकेंसी आ गई चलो मैं तैयारी करूंगा अभी। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है वैकेंसी के लिए। वैकेंसी आई उस समय आपको रिविजन करना चाहिए, बस पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो प्लीज दोस्तों कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, उसके लिए पढ़ाई में क्या पन डालिए आप लोग दोस्तों। साथ साथ दोस्तों यहां पर ONGC के अंदर नया वैकेंसी आएगा। अब दोस्तों मेडिकल कब होगा, DD का रिजल्ट कब लगेगा, तो देखिए दोस्तों इस बार जो प्रोसेस है, पहले क्या हुआ करता था तो वैकेंसी निकलती थी जोन वाइज, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, अंकले मतलब ये आसाम की अलग, अलग अलग वैकेंसीज निकलती थी। लेकिन इस बार सेंट्रली प्रोसेस हैंडल हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्ट्रिक्ट तरीके से हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी रियायत नहीं दी गई, निकाल दिया गया डायरेक्ट। जिनके पास हेवी का लाइसेंस नहीं था या लर्निंग था उनको भी निकाल दिया गया, या जिनका, तो दोस्तों इसलिए इस बार एडवर्टाइजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है ना, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद मेडिकल थोड़ा सा दोस्तों डिले होगा, डेफिनेटली मार्च या मार्च के बाद आपका रिजल्ट लगेगा। यूजुअली जब पहले क्या था ना कि महाराष्ट्र के वैकेंसी महाराष्ट्र में हुई, गुजरात की गुजरात में हुई, तो उस समय एक महीने के अंदर अंदर सब हो जाता था प्रोसेस। लेकिन इस बार देर लग रहा है क्योंकि दिल्ली से ये हैंडल हो रहा है सारा, और दिल्ली के जो लोग हैं उनके ऊपर और भी कामों का प्रेशर होता है दोस्तों। उनको सिर्फ एक रिक्रूटमेंट नहीं, बाकी बहुत सारी बातें, लोगों की सैलरीज, रिटायरमेंट्स वगैरह सब देखना पड़ता है, बहुत सारे काम उनके पास होते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस में डिले हो रहा है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली रिजल्ट लगेगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग भी होगा। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों डेफिनेटली एक सीरीज में आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है, थ्रू एनिमेशन, थ्रू वीडियोस, थ्रू इमेजेस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग दोस्तों इस सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा कि यस सर डेफिनेटली ये सीरीज बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों मैं इस सीरीज के अंदर सारा आपको ONGC में लेके जाऊंगा, एक प्रकार से सब कुछ, हेलीकॉप्टर अंडर वाटर स्केप ट्रेनिंग कैसे होता है, गोवा में ट्रेनिंग कैसे होता है, और कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं, कौन कौन से पर्क्स आपको दिए जाते हैं, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। ओके, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। महाजनको का वैकेंसी भी आया है दोस्तों, महाजनको के लिए एक सीरीज में लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक टफ क्वेश्चंस की सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, मतलब जो एक टिपिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स यहां पे सॉल्व करवाऊंगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आ रहा हूं, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम में डिग्री लेवल के एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।